हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। शाम का समय हो गया है, मैंने कहा आप लोगों के लिए शाम का ब्लॉग बना दूँ। हमारे आज मौसम शाम को ठंडा हो गया है, बादल हो गए हैं, बारिश होने वाली मौसम हो गया, बारिश होने वाला। दिन में बहुत तेज धूप थी, धूप निकली थी, बारिश नहीं हुई, बहुत गर्मी भी रही। शाम को हवा चल गई और बादल छा गए थे, काले वाले जो कि होते हैं बारिश वाले। तुम्हारे बच्चों का मन हुआ कि मम्मी आज मूंगफली वाला पुलाव बनाओ, तो मैं मूंगफली वाले पुलाव की तैयारी करने किचन में जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं अब जा रही हूँ किचन में, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में, ये है मूंगफली जो कि मैं पुलाव में डालूंगी। हमारे बच्चों को बेहद पसंद है मूंगफली वाला पुलाव। तो ये रखी है हमारी कटोरी में मूंगफली, ये रखा है कटा हुआ प्याज जो मैं पुलाव में डालूंगी, ड्राई पुलाव बनाऊंगी। ये रखे हैं आलू कटे हुए, आप लोग देख सकते हो। ये है चावल, मैंने धो के साफ करके रख दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ पुलाव बनाने के लिए, सामान कर लिया है तैयार, अब मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ। दोस्तों पुलाव का सामान मैंने तैयार करके रख लिया है, मैंने दिखा दिया आपको। मूंगफली रखी है, प्याज रखा है, टमाटर, मूंगफली रखा है, प्याज रखा है, आलू रखा है, चावल रखा है, टमाटर उधर रखे हैं। तो मैं अब शुरू कर रही हूँ पुलाव की तैयारी। भी हो रहा है गरम, सबसे पहले डाल रही हूँ जीरा, उसके बाद डाल रही हूँ करी पत्ता जो है करी पत्ता पुलाव में। अब मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, लौंग, इलायची। थोड़ा भुन जाए उसके बाद डाल रही हूँ प्याज, थोड़ा सुनहरा होने तक भूनूंगी प्याज को। ये है प्याज, प्याज हो गया फ्राई। अब मैं प्याज हो गया फ्राई सुनहरा। अब मैं डाल रही हूँ आलू इसमें कटे हुए पुलाव में, जो कि हमारे बच्चों के ये पुलाव मूंगफली वाला प्याज आलू टमाटर वाला बेहद पसंद है। मूंगफली सर्दियों में मटर वाला और गर्मियों में मूंगफली वाला प्याज बेहद पसंद है। इसको मैं डाल के उस तेल के लिए भूनूंगी सभी चीजों को। और इसमें हल्का डालूंगी मसाला, इसमें जाएगी हल्दी, धनिया और थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि चावल ज्यादा चटपटे बच्चे हमारे नहीं खाते, थोड़ी सी बस इतनी सारी मिर्ची। अब मैं इसको चलाऊंगी, सबको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। मिक्स हो गया है सारा सामान। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर,
सब्जी और मूंगफली दाने वाला पुलाव बनके होगा तैयार। अब मैंने चावल धो के रख लिए थे, फिर चावल धो के पहले रख दें तो पुलाव बहुत अच्छा बनता है खिलमा, तो मैंने चावल धो के रख लिए थे। अब मैं डाल रही हूँ चावल इसमें जो कि धुले धुलाए हैं, मैंने थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले धो के रख लिए थे, धुल के साफ करके। मैं चावल को चलाऊंगी थोड़ा इसमें, चावल भी थोड़ा बन जाए, एक साथ मिक्स हो जाए सब्जी चावल। आप देख सकते हो कलर कितना सुंदर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, मैं एक कटोरी चावल में 2 कटोरी पानी डालती हूँ, ये हमारे चावल है 1.5 कटोरी, तो मैं इसमें पानी डालूंगी 3 कटोरी। पुलाव एकदम खिल के तैयार बनेगा खिलमा। पड़ गया है 3 कटोरी पानी और हमारा पुलाव होगा तैयार। अब मैं डालूंगी इसमें नमक, क्योंकि सब्जी पड़ चुकी है, मसाला भुन चुका है, सब्जी भुन चुकी है, चावल भी पड़ गए हैं, मैंने पानी डाल दिया। मैं नमक डाल के इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी, स्वाद अनुसार पड़ना है नमक, तो 1 चम्मच से ज्यादा डालूंगी मैं नमक, क्योंकि 1.5 कटोरी चावल है तो 1.5 कटोरी डालूंगी नमक, 1.5 चम्मच डालूंगी नमक, सॉरी। नमक पड़ गया है, सब्जी बन गई है, मसाला बन चुका है, अब मैं लगा रही हूँ ढक्कन तेजी बनने के लिए। मैंने ढक्कन लगा दिया है कुकर में, 1 सीटी आने के बाद मैं इसे बंद कर दूंगी। मूंगफली वाला पुलाव बनके हो गया है तैयार। आप भी बनाइए अपने घर में, बच्चों को खिलाइए, बच्चों को बेहद पसंद है। सर्दियों में मटर पुलाव, गर्मियों में मूंगफली वाला पुलाव बेहद पसंद है, आप लोग खिलाइए, बहुत टेस्टी होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, बच्चे बड़े सब बड़े प्यार से खाते हैं। तो मैं इसी तरह से मूंगफली वाला पुलाव बनाती हूँ, आप भी बनाइए। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना मत भूलिए। इसी तरह मैं आपको नए नए ब्लॉग दिखाती रहूंगी, बनाती रहूंगी, इसी तरह जुड़े रहिए और प्यार देते रहिए। बाय बाय, राधे राधे, सही फ्रेंड्स को।